साल 2023 अपने अंतिम दिन पर पहुंच चुका है। इस मौके पर देशवासी जगह जगह मंदिरों में अपने आराध्य को पूरे साल का धन्यवाद करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल का दरबार साल 2023 के आखिरी दिन पर भक्तों से पूरी तरह भरा दिखा। साल के आखिरी दिन जब महाकालेश्वर मंदिर के पट खोले गए तो बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी मात्रा में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने महाकालेश्वर धाम पहुंचे। आज 31 दिसंबर के दिन प्रातःकाल भगवान महाकाल के पट खोले गए, तत्पश्चात भगवान को पूजन आरती की गई, उसके पश्चात भगवान को पंचामृत और फल से स्नान किया गया और भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करी गई कि भगवान महाकाल जो 2023 ऐसा गुजरा उससे अच्छा 24 गुजरे और सब भक्तों का सैलाब उमड़ा है, भगवान महाकाल से सब मंगल कामना करने आए हैं, वो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर में पावन मंत्रोच्चारण द्वारा पुजारियों ने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के बाद बाबा की भस्म आरती की गई। इस दौरान सभी भक्त बाबा महाकाल की भक्ति में पूरी तरह से डूबे दिखाई दिए। इसके बाद साल के आखिरी दिन बाबा का विधिवत विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूरा होने के बाद वाद्य यंत्रों के साथ बाबा महाकाल की भव्य आरती की गई। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर धाम में बाबा का आशीर्वाद लिया और नए साल के लिए मंगल कामनाएं की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।